हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओरिजिनल कॉर्ड्स विद तारिक खान। आज जो सॉन्ग हम प्ले करने जा रहे हैं उसका टाइटल है ए वतन प्यारे वतन, बाय द ग्रेट लेजेंडरी आर्टिस्ट उस्ताद अमानत अली खान साहब। 1965 में ये मिल्ली नगमा रिलीज़ हुआ था और पाकिस्तान के बेस्ट मिल्ली नगमों में से एक मिल्ली नगमा है ये, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उस्ताद अमानत अली खान साहब की एक बेहतरीन कॉम्पोजिशन आप इसको कह सकते हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत पे जगह अता करे। इस गाने की मुझे बेतहाशा रिक्वेस्ट आई थी, इस वजह से भी मैं इसका लेसन कर रहा हूँ और मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है ये गाना, इस वजह से भी मैं इसका लेसन कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, इस सॉन्ग को प्ले करने के लिए आपने टोटल 12 कॉर्ड्स अप्लाई करनी होंगी। बेसिकली इसकी 4 कॉर्ड्स हैं इस गाने की, एक माइनर कॉर्ड है, बाकी 3 मेजर कॉर्ड्स हैं। जो 12 कॉर्ड्स हैं उससे बचने के लिए अगर आप 4th फ्रेट पर कैपो लगा लें तो आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। तो विदाउट कैपो अगर मैं बताऊं तो इसकी कॉर्ड्स जो बन रही हैं वो बन रही है, सबसे पहली कॉर्ड है सी शार्प माइनर, सेकंड कॉर्ड इज ए मेजर, थर्ड कॉर्ड इज बी मेजर एंड लास्ट वन फोर्थ इज जी शार्प मेजर। ये 4 कॉर्ड्स इस पूरे गाने में चली हैं। अच्छा, अगर हम कैपो लगा देते हैं 4th फ्रेट पर, बेसिकली अगर देखा जाए तो आपकी मर्जी है कि आप कैपो 4th फ्रेट पर लगाना चाहें तो 4th फ्रेट पर लगा लें, जिसका स्केल हाई है वो ही ओरिजिनल स्केल पर गाना गाए, मेरी एडवाइस यही है। और अगर आपका स्केल हाई नहीं है तो फिर आप सेम कॉर्ड्स रखिएगा बट उसको बैक 2 फ्रेट जो है वो बैक ले जाइएगा, यानी अगर हम 4th फ्रेट पर लगा रहे हैं तो आप 2nd फ्रेट पर लगाएं और उसको कॉर्ड्स को आप सेम रखें बट स्केल जो है वो चेंज कर लें। तो अगर कैपो लगाने के बाद इसकी ओरिजिनल कॉर्ड्स देखी जाएँ तो वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहली जो हमारी सी शार्प माइनर थी वो बन चुकी है ए माइनर, पहली कॉर्ड ए माइनर है, सेकंड कॉर्ड इज एफ मेजर, जो ए मेजर थी वो हमारी एफ मेजर बन चुकी है, उसके बाद जी मेजर, जो बी मेजर थी वो जी मेजर बन गई है, और फाइनली ई मेजर। ई मेजर जो है उसने जी शार्प मेजर की जगह ले ली है। तो ये 4 कॉर्ड्स हमने चलानी है पूरे गाने में। गाने का जो स्ट्रमिंग पैटर्न है वो मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा, बट जो मैं स्ट्रमिंग पैटर्न रख रहा हूँ, अगर आपकी मर्ज़ी आप वही रखना चाह रहे हैं तो वही रख लीजिए, अगर कोई अपने पास से कुछ नया स्ट्रमिंग पैटर्न रखना चाह रहे हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं स्ट्रमिंग पैटर्न के ऊपर ज़्यादा बहस नहीं करता और ना ही मैं उसको ज़्यादा सही तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि स्ट्रमिंग पैटर्न इंसान टोटली, अगर उसको कॉर्ड्स प्ले करना आती हैं तो स्ट्रमिंग पैटर्न वो खुद प्ले कर सकता है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। सो फ्रेंड्स, गाना जो स्टार्ट होता है वो इस अंदाज में है। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। नाउ यहाँ तक इसका कोरस पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसका जो पहला वर्स आएगा, पहला दूसरा तीसरा, 3 वर्सेज हैं इस गाने में और जो तीनों वर्सेज हैं वो बिल्कुल सेम प्रोग्रेशन पर रहे हैं, एक ही जैसे स्ट्रक्चर पर तीनों हमारे जो वर्सेज हैं वो चलेंगे। तो एक को अगर आप समझ लेंगे तो बाकी आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे। अच्छा, अभी जब हम इसको ए माइनर पर छोड़ेंगे वहीं से ही हमने स्टार्ट करना है फौरन, और ई मेजर अप्लाई करना है इस तरह से। मेरे प्यारे वतन, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पूर्ण,
तखय्युल है तो शीरी है सुखन है मेरे प्यारे वतन ऐ वतन पाक वतन पाक वतन पाक वतन है मेरे प्यारे वतन ऐ वतन प्यारे वतन नाउ यहां तक इसका फर्स्ट वर्ड्स भी कंप्लीट हो चुका है. अब उसके बाद जो हमने इसका सेकंड वर्ड से स्टार्ट करना है, सेकंड वर्ड से स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल वहीं से ही हमने कंटिन्यू करना है जहां से हमने इसको छोड़ा है. अब वो इस अंदाज में है. तू दिल अफरोज बहारों का तरोताजा चमन बहुत हार्ड गाना है ये. अगर इसको कवर करना भी चाहें हम तो बहुत मुश्किल होती है हमें, और ओरिजिनल स्केल पर तो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल ये गाना. खैर जितना मुझसे हो सका मैंने उतना आपको बताया, तो मेरी सिंगिंग को आप ज़्यादा गौर मत करिएगा, उसको इग्नोर करें. बाकी सिर्फ और सिर्फ कॉर्ड्स देखिए, जो कॉर्ड्स हैं इस गाने की वो बिल्कुल सेम एज़ हमने अप्लाई किए हैं जिस तरीके से गाने में ओरिजिनल चली हैं. सो फ्रेंड्स, अगर इसका स्ट्रमिंग पैटर्न आप लोग देखें, जो मैं प्ले कर रहा हूं वो इस अंदाज में है. मैं स्लो बिल्कुल प्ले कर दिखाता हूं आपको. डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन. पूरे गाने में मैंने एक ही स्ट्रमिंग पैटर्न रखा है, कहीं पर भी मैंने चेंज नहीं किया. अगर आप चाहें तो इसको एक दूसरे स्ट्रमिंग पैटर्न से भी प्ले कर सकते हैं. अगर इस अंदाज में प्ले करना चाह रहे हैं तो इस अंदाज में प्ले करना है. इसमें मैं जो प्ले कर रहा हूं वो
पहले मैं फोर्थ जो हमारी स्ट्रिंग है उससे मैं डाउन डाउन स्ट्रोक प्ले कर रहा हूं, फिर उसके बाद प्लगिंग जो की है मैंने वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट, पूरे गाने को आप इस अंदाज में भी प्ले कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं तो जो मैंने स्ट्रिंग पैटर्न बताया है अगर वो सूटेबल आपको लगे तो वो रख सकते हैं, या फिर आप अपनी मर्जी के मुताबिक अगर आपको इससे कोई बेहतर स्ट्रमिंग पैटर्न नज़र आता है तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, नो इशू। सो फ्रेंड्स, ये था उस्ताद अमानत अली खान साहब के सॉन्ग ऐ वतन प्यारे वतन का कंप्लीट गिटार लेसन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी ये वीडियो, सो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा। इसके अलावा नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, किसी भी सॉन्ग की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपने फीडबैक्स ज़रूर दीजिएगा कि कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो। इस वीडियो के मुताबिक अगर कोई भी सवाल हो तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इस वीडियो को उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो गिटार प्ले करना चाहते हैं या फिर जो गिटार प्ले करना जानते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी जो भी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस हों उनके नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाएँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक मौजूद हैं, उनको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा पाकिस्तानी ऐसे बहुत से सॉन्ग्स और मिली नगमे हैं जिनके लेसन्स कहीं पर भी अवेलेबल नहीं हैं, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उन तमाम सॉन्ग्स के लेसन आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँ, और आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर भी इंशाल्लाह मैं जल्द अज़ जल्द काम करूँगा। सो स्टे कनेक्टेड विद मी, इंशाल्लाह आई विल बी वर्किंग ऑन इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, स्टे ब्लेस्ड। पाकिस्तान जिंदाबाद।